देखिए हमारे यहाँ पर ये यूपी की नंबर वन सीट कहलाती है बेहट। सीरियल यहाँ से स्टार्ट होता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है सड़क बिजली पानी, क्योंकि घाट अक्षेत्र है और घाट अक्षेत्र के अंदर होने की वजह से कि पथरीला इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पर हैंडपम्प की लगवाने की अच्छी खासी कीमत होती है जो एक गरीब आदमी नहीं लगवा पाता। हमने अपनी सरकार के अंदर भी कोशिश की थी कि वहाँ सबसे ज्यादा नलके लगवाने का हमने काम करा, और नलके हमारे यहाँ बहुत लगवाए गए उस जमाने में भी, लेकिन अभी भी वहाँ पर कमी है। हम लोगों ने पानी की टंकी भी वहाँ लगवाई। हमारा क्षेत्र एक्चुअली डार्क जोन में आता है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि डार्क जोन से हटवा कर उसको नॉर्मल हम जोन में उसको लेकर आए, और वहाँ पर हम पानी की समस्या का मेन सबसे पहले हल करा जाए। हमारे यहाँ बिजली की भी समस्या है, क्योंकि जब बाढ़ आती है, क्योंकि नदियों का इलाका है तो वहाँ जब पानी आता है, बाढ़ आती है, तो खंभे अक्सर गिर जाते हैं और कई के दिन तक बिजली वहाँ से गायब रहती है गाँव के इलाकों के अंदर। तो यही हमारे मेन मुद्दे हैं, इसके ऊपर लड़ाई लड़ना काम कर रहे हैं। उमर जी, आपकी मुद्दे में एक सवाल निकल के आता है। आपने कहा कि आपका जो क्षेत्र है वो काफी पिछड़ा हुआ है, सभी लोग जानते हैं कि वहाँ बिजली की समस्या है, और ऐसे में स्मार्टफोन होना या नेटवर्क के कनेक्शन होना ये भी एक बड़ी समस्या वहाँ पर होगी। और इस बार जो चुनाव आयोग के निर्देश, पूरा जो चुनाव होने वाला है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप प्रचार करेंगे, तो इन सब चुनौतियों से कैसे निपटेंगे, क्या रणनीति बनाई है आप? देखिए साहब, हमारी 11 साल की मेहनत है, और ऊपर वाले का शुक्र है कि आज पब्लिक जो है वो उसको देख रही है। पब्लिक तक सब बात मालूम ही है, पब्लिक को पता भी है कि कौन आपके साथ खड़ा है और कौन आपका साथ देगा और कौन साथ दे रहा है। तो हमें ऊपर वाले का शुक्र, दादा हमें तकलीफ नहीं है। पब्लिक हमें हकीकत है कि अब ये जो कंपेनिंग इस तरह की हो रही है, इसके अंदर दिक्कत आ रही है कि पब्लिक तक हम लोगों का ज्यादा ज्यादा नहीं पहुँच पा रहे हैं, और ये आजकल बारिशों का भी टाइम चल रहा है। लेकिन ये 11 साल की मेहनत है, इसके अंदर मेहनत की वजह से पब्लिक के अंदर ज्यादा हम लोगों को जाकर मेहनत करनी नहीं पड़ रही, पब्लिक खुद हमारा साथ दे रही है। ये पब्लिक का बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर है, जनता का बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर। भाजपा कहती है कि हमने पिछले दिनों में काफी विकास कराया, शाकंभरी सीट को भी हम बड़े स्तर पर वहाँ विकास कराने जा रहे हैं, और आपका जो क्षेत्र है बेहट विधानसभा क्षेत्र, वहाँ पर भी विकास कराया। पिछले 5 साल में क्या विकास हुआ है वो आपको पता होगा, आप एक अच्छे एक चैनल आप चलाते हैं, आपको आपके माध्यम से हम देखते रहते हैं, आपको पता है क्या विकास हुआ है। मेरे ख्याल से कागजों कागजों में विकास हुआ है, बाकी भी कोई जमीन स्तर पर कोई विकास नहीं हुआ, धरातल पर कुछ नहीं हुआ। तो हमारी कोशिश, आपने कहा कि आपका पुराने जो 11 वर्ष का जो आपकी मेहनत है उसका फल आपको मिलने वाला है इस बार चुनाव में, जनता कोशिश कोशिश है। तो जो बेहट विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वो किसको वोट देगी, अखिलेश यादव को या उमर अली खान? अखिलेश यादव जी को और उनके कार्यकर्ता उमर को। ठीक है।